हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने नियम कानून हैं, क्या आप अयोध्या के संप्रदाय को बिलोंग करती हैं या नहीं? क्लियर क्वेश्चन। ये देखिए कि मैं सभी संप्रदाय को जो है वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान के भक्त हूँ इसीलिए। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर वहाँ पे मुझे, अगर भगवान के यहाँ पे, भगवान का मंदिर तो सबका है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और इसीलिए अगर भगवान ने कहीं कहा नहीं है कि महिला को नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषों को ही छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पे अगर मुझे दर्शन लेना है तो मैं जा सकती हूँ, जिनको नहीं लेना है वो मत ले, लेकिन हमें बिल्कुल किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मेरी मांग है कि महिलाओं को साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो एक पुरुषी मानसिकता है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, अभी तो वो खत्म होनी चाहिए और समानता के लिए सभी ने आगे आना चाहिए। शेफाली जी, आप इसका उत्तर देना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। सायरा जी ने अभी जो कहा कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर नहीं है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। इसीलिए कामाख्या के मंदिर में आज भी साल में एक बार अंबुबाची मेला लगता है, जहाँ पे हम देवी का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही लेकिन शबरीमला में महिलाएं नहीं जा रही है, ये भी आपका ही कहना है? मतलब आप ऐसे बोलते कैसे? ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू लेट मी कंप्लीट। ठीक है, ओडिशा में साल में एक बार 3 दिन रोजो फेस्टिवल होता है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो 3 दिनों में वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होता, वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ, स्त्रियाँ वो घर में आराम करती हैं 3 दिन के लिए, कोई खाना नहीं बनाता, उनके लिए स्विंग्स लगाए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुएशन को। आज भी कई सारे स्टेट्स में लड़की अगर जब उसका पहला पीरियड आता है तो एक सेरेमनी होती है, कमिंग एज सेरेमनी, जो सेलिब्रेशन की सेरेमनी होती है, उनको नए कपड़े दिए जाते हैं, ये खुशी का त्यौहार समझा जाता है। दूसरी बात, आप साबरीमला की बात कर रही हैं, केरल में अय्या के लगभग 20,000 मंदिर हैं, उसमें 5 जो मंदिर हैं वो पंचशास्ता कहलाए जाते हैं, वो भी अय्यप्पा के ही मंदिर हैं, और हर मंदिर में भगवान एक ही है, अय्यप्पा ही है। वो 5 मंदिरों में से 4 मंदिरों में कोई भी जा सकता है, सिर्फ शबरीमला एक मंदिर है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अय्यप्पा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि उनको ऐसा बिलीफ है, वो बोलते हैं कि उनको 10 से 50 की एज में वहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है। मेरा एक ही बस ये कहना है कि आप अगर अय्यप्पा में विश्वास कर सकती हैं, करती हैं, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एंड बिलीविंग हिंदू, देन अय्यप्पा इज द सेम इन एनी टेम्पल, तो यू गो टू एनी ऑफ द 19,999 टेम्पल्स ऑफ अय्यप्पा इन केरला, जहाँ पे आपको एंट्री है, जहाँ पे आप जाएँ, आप पूजा करें। एक शबरीमला का मंदिर जो है वहाँ पे भी एंट्री इसलिए नहीं अलाउड है कि स्त्रियाँ इम्प्योर है, ये हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन इज मेक्स अ वुमन इम्प्योर। वी रिस्पेक्ट मेंस्ट्रुएशन, वी वर्शिप मेंस्ट्रुएशन, समटाइम्स वी फियर इन मेंस्ट्रुएशन बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट, बट वी डू नॉट कंसिडर मेंस्ट्रुएशन इज डर्टी और इम्प्योर। और ये जो प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है कि द होल कम्युनिटी इज मिसोजिनिस्टिक, द होल हिंदू धर्मा इज मिसोजिनिस्टिक, ये बस प्रोपागेंडा है और कुछ नहीं है।